अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फातिमा क्रोशेट चैनल। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इस योग के फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक बनाना सिखाया था। मज़ीद वर्क मैंने कैसे किया है तो वो मैं आपको सिखाती हूँ। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन चलते चलते सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर नया वीडियो आपको देखने मिलती रहे, और बेल प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। तो चलिए वर्क स्टार्ट करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, अब हम अपना योग का पैटर्न स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहीं से हमने अपने योन को अटैच करना है वन चेन लेकर। अभी देखिए, टू थ्री, थ्री चेन्स ली, नेक्स्ट स्टिच में जाना है ऐसे, ये देखिए वन टाइम डबल क्रोशिया किया। अब देखिए इस स्टिच को छोड़ना है, इस स्टिच में जाना है, ये देखिए वन टू, टू चेन्स ली। अब देखिए वन टू थ्री और ये फोर, ये देखिए फोर टाइम लेने के बाद हमने वन टाइम में इसको सब में पास किया। अब यहाँ से वन चेन लेनी है, नेक्स्ट वन चेन छोड़ के इस वाले स्टिच में जाकर हमने अगेन वन टाइम सिंगल क्रोशिया किया, ये देखिए ऐसे। अब फिर देखिए यहाँ पे फिर मैंने वन टाइम डबल क्रोशिया करना है, नेक्स्ट स्टिच में वन टाइम डबल क्रोशिया किया, ये देखिए। फिर यहाँ से मैंने वन चेन छोड़ी, यहाँ पे डालना है ऐसे और वन टाइम डबल क्रोशिया किया, ये देखिए वन टू थ्री फोर, फोर टाइम ये मैंने योन को लेना है और वन टाइम में ही सब में से योन पास करनी है, वन चेन लेनी है और यहाँ से मैंने वन स्टिच को छोड़ के नेक्स्ट में डाल के सिंगल क्रोशिया के जरिए मैंने इसे ज्वाइन किया ऐसे। तो ये देखिए, देखिए वन चेन, वन डबल क्रोशिया, अगेन टू डबल क्रोशिया, वन चेन को स्किप करना है, वन टाइम डबल क्रोशिया लेने के बाद ये देखिए वन टाइम टू थ्री और ये फोर, फोर स्टिचेस लेनी है, वन टाइम में ही सबको योन से पास करना है, वन चेन लेनी है और नेक्स्ट मैंने वन चेन स्किप करके नेक्स्ट में डालकर वन टाइम सिंगल क्रोशिया करना है, और इसी तरीके से मैंने अपने इस रो को कंप्लीट करना है। तो देखिए व्यूअर्स, इस चेन को मैंने छोड़ना है और यहाँ पे डाल के वन टाइम सिंगल क्रोशिया किया ऐसे, सिंगल क्रोशिया के जरिए मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से अटैच करना है। अब देखिए इस स्टिच पे मैंने वन टाइम डबल क्रोशिया किया ऐसे, ये देखिए अब टू टाइम डबल क्रोशिया हमने यहाँ से करना है, ये देखिए ऐसे टू टाइम डबल क्रोशिया यहाँ पे किया, और ये देखिए इसी स्टिच पे अगेन मैंने वन टाइम डबल क्रोशिया करना है, ये देखिए नेक्स्ट स्टिच में डालना है, फिर मैंने वन टाइम डबल क्रोशिया करना है, यहाँ से मैंने वन चेन छोड़ी और नेक्स्ट में डालकर अगेन मैंने वन टाइम डबल क्रोशिया किया। अब यहाँ पे मैंने पफ का वर्क करना है, वन टू थ्री और ये फोर, फोर टाइम यहाँ पे मैंने योन को लिया है और अब इसे वन टाइम में ही पास करना है तमाम हुक में से, फिर वन चेन लेनी है और फिर मैंने यहाँ से वन चेन को स्किप करके नेक्स्ट में डालना है और इसी वर्क को कंटिन्यू करना है एंड तक। तो ये देखिए, ये मेरे आर्म होल का वर्क भी हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे कॉर्नर तक लाती हूँ और फिर बताती हूँ व्यूअर्स, ये हम नेक्स्ट आर्म होल पे आए, फिर हमने इसके कॉर्नर पर वन टाइम डबल क्रोशिया करना है, फिर नेक्स्ट हमने इस होल में टू टाइम डबल क्रोशिया करना है, जो वर्क हमने वहाँ किया था सेम यहीं पर करना है, ये देखिए इस स्टिच में डालना है इधर और वन टाइम डबल क्रोशिया करना है,
अब देखिए इधर भी वन टाइम डबल क्रोशिया, सॉरी वन चेन छोड़ के सेकंड में डालना है और वन टाइम डबल क्रोशिया करना है। अब ये देखिए 1, 2, 3 और ये 4 टाइम मैंने यहाँ पे पफ स्टिच बनाया, पफ का पैटर्न बनाना है। ये देखिए 4 टाइम। अब यहाँ पे मैंने 1 चेन लेनी है ऐसे। अब 1 चेन लेने के बाद 1 को स्किप करना है और सेकंड में डाल के सिंगल क्रोशिए से इसकी एडजस्टमेंट की ऐसे। अब नेक्स्ट में हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया करना है, फिर 1 चेन को स्किप करना है और सेकंड में डाल के पफ का पैटर्न करना है। इसी को हमने अप्लाई करते हुए एंड तक जाना है। लास्ट तक जाना है यहाँ तक। तो देखिए व्यूअर्स, इस रो को कंप्लीट किया, थर्ड चेन पे आना है। यहाँ पे आके मैंने इसको इसके साथ अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से करते हुए मैंने स्लिप स्टिच ली। अब यहीं से मैंने 1, 2, 3 चेन्स ली, 3 चेन्स लेनी है यहाँ पे। फिर मैंने अगेन डालना है और 1 टाइम डबल क्रोशिया किया। अब देखिए यहाँ से मैंने इस स्टिच में आना है ऐसे, यहाँ पर जहाँ मैंने सिंगल क्रोशिया लिया था उस स्टिच में आके आगे देखिए ऐसे। अब मैंने यहाँ से 1, 2, 3, 4 टाइम यहाँ से मैंने अपनी स्टिचेस ली, 4 टाइम यहाँ से मैंने अपनी स्टिचेस लेनी है। और ये देखिए 1 टाइम में ही सबको पास करना है। फिर 1 चेन लेनी है, ये देखिए। अब जिस स्टिच से लिया था उसके नेक्स्ट में डालना है यहाँ पर, ये देखिए नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पर डालना है। 1 टाइम डबल क्रोशिया किया, नेक्स्ट में डाला, फिर 1 टाइम डबल क्रोशिया किया, ये देखिए ऐसे। अब ये देखिए यहाँ से हम, ये देखिए यहाँ पर इस स्टिच में डाल के 1 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे और यहीं से अब हम पफ का पैटर्न बनाएंगे। 2, 3, 4 टाइम हमने यहाँ पे यौन को लिया ऐसे, 1 टाइम में इसको हमने तमाम इसे पास किया। अब ये देखिए इस स्टिच में जाना है यहाँ पर और 1 टाइम डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए ऐसे पफ के ऊपर पफ का पैटर्न आना है, फिर 2 टाइम डबल क्रोशिया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिए के साथ इसको अगेन 1 टाइम डबल क्रोशिया करना है। और ये देखिए, और इसकी गैपिंग में जाकर मैंने 1 पफ बनाना है और 1 चेन लेकर इसको मैंने क्लोज करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने पफ का पैटर्न बनाया, ये देखिए। अब मैंने यहाँ पर 1 टाइम डबल क्रोशिया करना है, नेक्स्ट में डालना है, यहाँ पे मैंने 1 टाइम डबल क्रोशिया करना है। आगे से मैंने सेम वर्क करना है। तो इस रो को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, अब ये मैं आर्म होल तक आई, यहाँ पे 2 टाइम डबल क्रोशिया करना है। अब ये देखिए यहाँ पे भी हमने अपने इसी पैटर्न को अप्लाई करना है, 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट में डालना है। ये देखिए 1 टाइम डबल क्रोशिया किया। अब यहाँ से हमने 1, 2, 3 और ये 4 टाइम करना है, पफ बनाया, 1 चेन ली और नेक्स्ट हमने ये देखिए इस स्टिच पर डालना है और सिंगल क्रोशिया करना है। अब यहीं से हमने ये देखिए इस सिंगल क्रोशिया में डालकर फिर अगेन पफ का पैटर्न बनाना है, ये देखिए ऐसे। ये 1, 2, 3 और ये 4 इसी तरीके से करते हुए हमने तमाम को 1 टाइम में ही निकालना है स्टिचेस को। और अगेन हम ये देखिए, अब यहाँ से हमने यहाँ से लेना है, इधर से लेके हमने 1 टाइम डबल क्रोशिया करना है, नेक्स्ट में डाल के फिर डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इधर भी ज़रा ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, यहाँ पे भी हमने डिज़ाइनिंग कर ली है। अब रो कंप्लीट करते हैं। व्यूअर्स, सेकंड रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए कॉर्नर पर आना है ऐसे, ये देखिए लास्ट पर आके हमने अपने
इस पफ को इस स्टिच में ऐसे ज्वाइन किया सिंगल क्रोशिया के जरिए और टू चेन्स लेनी है, वन टू, टू चेन्स लेके ये देखिए यहाँ पे वन टू, और ये जो थर्ड चेन है इसमें डाल के हमने जस्ट स्लिप स्टिच लेनी है ऐसे। तो ये देखिए हमारी ये रो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए आप, तो ये देखिए ये डिजाइन। अब इसमें मैंने जितनी लेंथ लेनी है, जितना वर्क करना है, इतना करने के बाद मैं कंप्लीट आपको गेंद दिखाती हूँ वर्क। ये देखिए कितने खूबसूरत स्टिचेस हैं। तो चलिए अपनी लेंथ कंप्लीट करते हैं, फिर मिलती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, ये देखिए वन, ये देखिए वन टू थ्री, थ्री मैंने यहाँ पे लाइंस ली हैं इस पैटर्न की। अब देखिए मैंने, तो देखिए व्यूअर्स ये मैंने बैक स्टिच से डालना है ऐसे। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे वन टू थ्री चेन्स लेनी है। अब देखिए अब मैंने इसी तरह इधर बैक से इस स्टिच से लेना है ऐसे और लेकर वन टाइम डबल क्रोशेट करना है। फिर नेक्स्ट स्टिच में जाना है बैक लूप से, फिर मैंने इसी तरह वन टाइम डबल क्रोशेट करना है। ये देखिए अब हर स्टिच के बैक लूप से उठाना है, ये देखिए ऐसे, और वन टाइम डबल क्रोशेट करना है। ये देखिए ऐसे सेम स्टिच, हर स्टिच में जाना है, वन टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो इस रो को तकरीबन ऐसे ही ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट करना है। ये देखिए, तो देखिए व्यूअर्स अब मैंने हर स्टिच को बैक लूप से लेना है। तो देखिए बैक लूप से लेके मैंने वन टाइम डबल क्रोशिया करना है अगेंस्ट। ये देखिए टू स्टिचेस होती हैं, एक फ्रंट की एक बैक की, हमने बैक से उठाना है और वन टाइम डबल क्रोशिया करना है। इस रो को मैंने ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये लास्ट में आने के बाद मैंने यहाँ से थर्ड में डालना है ऐसे, देखिए ऐसे वन टाइम मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच करनी है। ये देखिए और अपनी इस रो को कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने वन टू थ्री चेन्स लेनी है। थ्री चेन्स लेने के बाद मैंने सेम स्टिच में डालना है, वन टाइम डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट स्टिच में मैंने इसे डाला यहाँ पर, जस्ट सिंगल डबल क्रोशिया सिंगल किया वन टाइम, फिर अगेन वन टाइम डबल क्रोशिट किया, फिर अगेन वन टाइम डबल क्रोशिट किया। अब मैंने नेक्स्ट स्टिच में डालना है और अगेन वन टाइम डबल क्रोशिट, सेम स्पेस में टू टाइम डबल क्रोशिट किया। अब इस रो को मैं इंक्रीजमेंट के तौर पे यूज़ कर रही हूँ। थ्री स्टिचेस में हमने जस्ट यहाँ पे डबल क्रोशिट करना है और फोर्थ स्टिच में मैंने टू टाइम डबल क्रोशिट करना है इन द सेम स्टिच। तो इस रो को मैं ऐसे ही कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस स्टिच पे थर्ड चेन से लेना है ऐसे, थर्ड चेन से लेके यहाँ पे जस्ट मैंने स्लिप स्टिच ही करनी है ऐसे। अब देखिए वन टू थ्री, थ्री चेन्स ली, इस स्टिच में डाल के वन टाइम डबल क्रोशिया किया, नेक्स्ट स्टिच में डालना है वन टाइम डबल क्रोशिया करना है। अब मैंने हर चेन में वन टाइम डबल क्रोशिया करना है जस्ट। तो इसी तरीके से मैंने अब पूरी रो को कंप्लीट करना है। तो देखिए व्यूअर्स ये मेरा पैटर्न बन गया है। डिजाइन डालना शुरू करना है, देखिए यहाँ पे मैंने ये देखिए वन टू थ्री चेन लेनी है। अब नेक्स्ट स्टिच में जाना है, वन टाइम डबल क्रोशिया किया, सेकंड में जाके टू टाइम डबल क्रोशिया करना है, इधर फोर टाइम डबल क्रोशिया किया। फोर टाइम डबल क्रोशिया करने के बाद मैंने यहाँ पे वन स्टिच छोड़नी है ये वाली, और नेक्स्ट में डाल के वन टाइम डबल क्रोशिया करना है। अब यहाँ पे मैंने पफ्स का पैटर्न बनाना है, वन टू थ्री
और ये फोर, फोर टाइम मैंने अपनी ओन को पास करना है और लास्ट पे मैंने इन सबको वन टाइम में ही ये देखिए क्रोशिया में से गुजारना है। अब देखिए इसी तरह मैंने इसको वन चेन को छोड़ना है और सेकंड में डाल के वन टाइम डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पे थोड़ा डिजाइनिंग चेंज है, ये देखिए वन टू थ्री और ये फोर चेन। अब ये मेरा फोर चेन का पैटर्न बनेगा। पीछे मैंने यहाँ पे थ्री डबल क्रोशिया लिए थे, यहाँ पे अब मैं फोर डबल क्रोशिया लेकर पफ स्टिच का पैटर्न बनाऊंगी। ये देखिए ऐसे, ये देखिए वन टू थ्री और ये फोर टाइम, और यहाँ पे मैंने सबको पकड़ के क्रोशिया हुक को वन स्टिच से ज्वाइन किया, इस स्टिच को छोड़ा, नेक्स्ट में डालना है और फिर मैंने फोर टाइम डबल क्रोशिया करना है। तो इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, इस रो को भी कंप्लीट किया है मैंने। देखिए अब यहाँ से वन टू थ्री थर्ड स्टिच में जाके जस्ट आपने स्लिप स्टिच लेके इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये देखिए तो देखिए व्यूअर्स, मैंने थ्री चेन्स ली, नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पे डालना है, थ्री चेन्स लेनी है, फिर ये देखिए वन को स्किप किया, नेक्स्ट में डालना है। अब पफ हमने यहाँ पे बनाना है, पफ की हमने डायरेक्शन चेंज करनी है। ये देखिए वन टू थ्री और ये फोर, फोर टाइम हमें स्टिचेस लेके गुजारनी है, वन चेन लेनी है। अब ये देखिए इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन कर देना है, ये देखिए ऐसे। अब देखिए ये वन इस यहाँ पर डालना है, वन टाइम हमने यहाँ पर डालकर डबल क्रोशिया करना है, नेक्स्ट स्टिच में डालना है, यहाँ पर वन टाइम डबल क्रोशिया करना है, यहाँ से हमने वन चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट में डालकर वन टाइम डबल क्रोशिया करना है। अब इस होल में डालकर हमने ये देखिए वन टू थ्री और फोर, और अगेन यहाँ पर मैंने वन पफ बनाया। अब देखिए इस पफ को हमने यहाँ पर इस स्टिच पे डालकर क्रोशिया हुक को डबल क्रोशिया करना है। अब नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर डालना है वन टाइम चेन डबल क्रोशिया करना है, नेक्स्ट स्टिच में डालना है वन टाइम डबल क्रोशिया करना है, वन चेन को स्किप करके फोर्थ में डाल के यहाँ पर अब पफ का वर्क हमने इस होल में करना है। ये वन टू थ्री फोर और ये वन चेन लेकर ऐसे हमने इसको इस स्टिच के इस यहाँ पर स्टिच के इस साइड पर हमने यहाँ पर वन चेन और वन टाइम डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए अब हमारी स्टिच चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, पफ का पहले अंदाज किसी और साइड पर था, अब हम अपने पफ को उसकी स्पेस से हिला रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे वन चेन लेनी है, यहाँ पर डालना है ऐसे, वन टाइम डबल क्रोशिया किया इसी होल में, ये देखिए वन टू थ्री और ये फोर्थ, फोर्थ डाल के देखिए यहाँ पे इस तरीके से, और फिर हमने इस फर्स्ट वाली जो स्टिच है क्रोशिया की फर्स्ट स्टिच में डाल के वन टाइम डबल क्रोशिया करना है। तो अब मैंने इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करना है, ये देखिए ऐसे। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इस रो को कंप्लीट किया। अब ये देखिए वन टू थ्री, थ्री चेन्स लेनी है, ये देखिए इस स्टिच में डाल के ये देखिए डबल क्रोशिया किया, फिर ये देखिए इस पफ वाली स्टिच पर डाल के भी मैंने वन टाइम डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए यहाँ से फिर मैंने वन टाइम डबल क्रोशिया करना है, और अब इस होल वाली स्पेस में मैंने वन टू थ्री फोर टाइम, ये देखिए अब मैंने इसको यहाँ पर। तो अब इसी तरीके से हमने अपनी रोज को कंप्लीट करना है। ये देखिए वन यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे टू टाइम, और ये देखिए यहाँ पर डाल के थ्री टाइम, सॉरी यहाँ पे टू टाइम यहाँ पे किया, ये देखिए इसको छोड़ के यहाँ पर डाल के वन टाइम करना है डबल क्रोशिया, और यहाँ पे मैंने पफ स्टिच करना है, वो पफ का पैटर्न डालना है। उम्मीद है आपको मेरा वर्क समझ आ रहा होगा। ये देखिए
अब हमने इस पफ को बनाना है और यहाँ पे इसकी इस तरीके से अटैचमेंट कर देनी है। तो इस पूरे वर्क को हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ पे डाला टू टाइम, यहाँ से इस स्पेस को ख़त्म, इस स्टिच को छोड़कर हमने यहाँ पे डालना है। तो इसी स्टिचिंग के हिसाब से हमने अब अपनी लेंथ को बनाना है। अब मैंने जितनी भी लेंथ रखनी है मज़ीद मैं कंप्लीट करके आपको अगेन ज्वाइन करती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने वन टाइम डबल क्रोशिया किया। ये देखिए, तो देखिए व्यूअर्स इसी तरीके से अब मैंने जितनी लेंथ रखनी है अपनी, ये देखिए अब इस तरीके से ये थोड़ी बढ़ेगी क्योंकि ये 9 मंथ के या 1 ईयर बेबी का पैटर्न है। इसी हिसाब से मैंने इसकी चौड़ाई को रखा है। तो चलिए अब मैंने जितनी लेंथ रखनी है मैं उतनी आपको बना के अगेन ज्वाइन करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैंने अपनी फ्रॉक का पैटर्न रेडी किया है। यहाँ तक मैंने आपको वर्क बताया था कि किस तरीके से किया करना है। आगे भी कुछ डिफरेंट नहीं है। ये देखिए यहाँ पर इतना पैटर्न आपको मैं बता चुकी हूँ। आगे से ये देखिए हर स्टिच पर जाके मैंने जस्ट डबल क्रोशिया किया है। इसके बाद मैंने हर डबल क्रोशिया में 2 टाइम डबल क्रोशिया किया है और नीचे का जो वर्क है वो सेम है, 3 डबल क्रोशिया के साथ 1 चेन की स्पेस है और फिर ये पफ स्टिच का पैटर्न है। तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला होगा तो आपने मुझे कमेंट करना है। ये देखिए ये मेरा कलरफुल फ्रॉक का पैटर्न रेडी है। तो देखिए व्यूअर्स, इस पार्ट पे मैंने आपको यहीं तक बताना था। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने बाजू कैसे बनाया है इसके साथ, इसके अलावा ये बटन टेक पट्टी का वर्क कैसे किया है, साथ ही मैंने ये घेरे की डिज़ाइनिंग कैसे की है। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। तो जल्दी आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ। तब तक के लिए जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कमेंट पास करें अच्छे से मुझे। इसके अलावा मुझे दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को प्रमोट करें। गॉड ब्लेस यू। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट पैटर्न में। अल्लाह हाफिज़।